स्वागत है आपका शशि के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं गुजिया। होली का त्योहार है तो गुजिया तो बनाना ही पड़ता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये मैदा को गूंद कर तैयार करेंगे। इसके लिए 1 किलो मावे के लिए हमने लगभग 1.5 किलो मैदा लिया हुआ है। अब हम इसमें मोयन डालेंगे। 1 किलो मैदे में लगभग 250 ग्राम मोयन पड़ जाएगा। मोयन डालने के बाद इस तरीके से हम इसको हाथ से ही मसल के मिलाएंगे। इस तरीके हाथ से मसलते हुए हम मिला लेंगे अच्छे से। इसमें मोयन मिलाना बहुत जरूरी है, अगर अच्छे से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गांठे पड़ जाएंगे जिससे कि हमारी गुजिया टूटने लगेंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोयन तो डाल देते हैं लेकिन उसको अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं, ताकि कहीं कहीं गांठें रह जाती हैं जिससे कि हमारी गुजियाँ टूटने लगती हैं। इसलिए हम इस मोयन को अच्छे से हाथ से इस तरीके मसलते हुए पूरे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। इसमें देखिए इतना हमने मोयन डाला है कि इस तरीके मुट्ठी बना कर देखें तो ये बन रहा हो। बस बहुत ज़्यादा मोयन इसमें नहीं डालना है, नहीं तो गुजिया की ऊपर ऊपर की पापड़ी निकलने लगती है और गुजिया अच्छी नहीं लगती है देखने में वो। इसलिए हम गुजिया के मैदे में बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथना शुरू करेंगे ताकि गीला ना हो जाए। इसको गूथने के लिए हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है, बहुत गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, हल्का गुनगुना पानी लिया है इसको गूथने के लिए। और थोड़ा थोड़ा डालते हुए पानी इस तरीके से गूथेंगे। गुजिया का मैदा थोड़ा सख्त ही गूथा जाता है जिससे कि गुजिया फटे नहीं। अगर पतला हो जाएगा गुजिया का आटा तो उससे जो है गुजिया फटने लगेगी, बेलने में भी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा चिकना करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें एक गीला कपड़ा ढककर, गीला साफ कॉटन का कपड़ा से इसको इस तरीके से ढककर रख देते हैं 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए। फिर हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। इसकी स्टफिंग के लिए हमने ये मावे को एक पहले से कढ़ाई में भून लिया है अच्छे से और 2 घंटे तक ठंडा कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें चीनी मिक्स की हुई है। हमने इसमें 1 किलो मावे में 0.5 किलो बूरा चीनी मिक्स की हुई है। हम इसमें किशमिश डालेंगे इस तरीके से और चिरौंजी भी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से काजू और कोकोनट, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये गुजिया में भरने के लिए हमारा स्टफिंग तैयार है। इसमें 1 किलो मावे में हमने 0.5 किलो बूरा चीनी डाली है। आपको जितना कम या ज़्यादा मीठा पसंद है आप उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए भरने के लिए हमारी स्टफिंग तैयार है। आप एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, मावे को भून कर रख दीजिएगा 2 घंटे के लिए लगभग। जब मावे एकदम से ठंडा हो जाए तभी आप उसमें चीनी मिलाइएगा, नहीं तो वो मावा गीला हो जाएगा। अगर आप एकदम ठंडा करके मिलाएंगे उसमें चीनी तो गीला नहीं होगा और गुजिया हमारी फटेगी नहीं। तो अब हम इसको भरना शुरू करते हैं गुजिया। देखिए इस तरीके से हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे मैदे की और बेलना शुरू करेंगे। हम मैदे की पूरी को थोड़ा पतला ही बेलेंगे, अगर मोटा बेलेंगे तो गुजिया मोटी हो जाएगी। ये देखिए अब इसको एक प्लास्टिक का साँचा लेंगे, कोई भी साँचा ले सकते हैं आप, उसमें हम इस तरीके रखेंगे गुजिया को और इस तरीके से थोड़ा सा खोया बीच में रखते हुए। ये हमने एक कटोरी में मैदा थोड़ी सी एक चुटकी घोल कर ली हुई है पानी में और इसको इस तरीके से चलाकर
इसके साइड में दोनों चारों तरफ से लगा देंगे हम, ताकि गुजिया हमारी फटे नहीं। आप पानी अकेले लगा सकते हैं अगर नहीं मैदा घोलना चाहते हैं तो, अगर मैदा घोल कर लगाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया भारी भर कर तैयार हो रही है। इसी तरीके हम अपनी सारी गुजिया को भर कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बीच में ही रखेंगे हम, किनारे पे कर दे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब इसको बंद करें सांचे को तो किनारे ऊपर नहीं आना चाहिए इसका मावा, नहीं तो ये फट जाएगी। इस तरीके से आप गुजिया बनाएंगे तो आपकी एक भी गुजिया नहीं फटेगी। अब ये देखिए इसके गुजियों को रखने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हम इसको एक मोटा कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस तरीके से ढककर रखते जाएंगे। अगर इस तरीके ढककर नहीं रखेंगे तो गुजियों में पपड़ी पड़ जाएगी। ये देखिए हमने सारी गुजियाँ भर कर तैयार कर लिया है। अब हम इनको तलना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है, इसमें रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। आप चाहें तो गुजिया घी में भी तल सकते हैं। ये देखिए मैदे का छोटा सा टुकड़ा लेकर हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। अगर ये ऊपर उतर कर आ जाता है तभी पता चलेगा कि गर्म हो गया है तेल हमारा। अब इसको हम अलग कर देते हैं। पहले हाई फ्लेम पर हम गैस को तेल को गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर सेकेंगे गुजिया, तभी अंदर तक अच्छे से सिक पाएगी। ये देखिए एक एक गुजिया इस तरीके से डालते हुए धीरे से। देखिए इनको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, एक साइड से तल जाएंगे तो हम इनको हल्का से इस तरीके से पलट देंगे कलछुल से। गुजिया को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। गुजिया तलने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो अगर एक गुजिया भी अगर फट जाएगी कढ़ाई में तो सारी गुजिया खराब हो जाएंगी। इस तरीके देखिए हम छन्नी में निकाल लेते हैं। अब हम इनको इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसी तरीके हम सारे गज तल कर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इस सारी गुजिया हमने तलने के बाद इस तरीके पेपर में फैला कर रख दिया है, लाइन से इस तरीके लगा कर रख दिया है, इससे गुजिया जो है पिचकेंगी नहीं। और कम से कम 2 घंटे तक इनको इसी तरीके रखेंगे हम, ताकि ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तभी हम इनको भरेंगे। अगर हम इनको भर कर रख देंगे तो इनका जो अंदर का खोया है वो गर्म बना रहेगा और सारी गुजियाँ पिचक जाएंगी। इसलिए इन गुजियों को हम इसी तरीके फैला कर 2 घंटे रखेंगे, उसके बाद भरेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी सारी गुजियाँ, होली स्पेशल गुजियाँ। हैप्पी होली, गुजिया खाइए, होली मनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।